तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे। तो गाइस, अभी आप लोगों का क्वेश्चन था कि बताइए कि हम रेडियोन अगर खरीद रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये फुली हो गया आपका डिजिटल मीटर। तो ये डिजिटल मीटर खरीदे रेडियोन में या फिर आपका ये जो एनालॉग मीटर देख रहे हैं ये खरीदे। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो डाउट है ये डाउट को पूरा क्लियर कर देंगे कि आपको डिजिटल मीटर खरीदना चाहिए या फिर एनालॉग मीटर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले अगर गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करें ना, तो अगर प्राइस की बात कर ले तो यहाँ पलामू डाल्टनगंज शारदा टीवीएस में ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 1,12,000 से 13,000 के आसपास पड़ जाती है विद ऑल एसेसरीज। अब बात करते हैं, आप लोग पूछते थे कि ये गाड़ी में आखिर क्या मेन फंक्शन है जिसके कारण ये गाड़ी मार्केट में भी ज़्यादा छाई हुई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका पुराना वाला मॉडल देख रहे हैं ना, ये गाड़ी इसमें आपको डिजिटल मीटर नहीं आया है और इसमें डिजिटल मीटर आ गया है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर बात कर ले इसके एसेसरीज में तो क्रोम का फिनिशिंग लगाया गया है। ये दोनों गाड़ी में क्रोम का फिनिशिंग लगाया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे फुली क्रोम का फिनिशिंग, वहाँ पे आपको क्रोम का फिनिशिंग, एग्जॉस्ट के पास आप देखें तो यहाँ पे क्रोम में, मतलब गाड़ी को क्रोम से सजा दिया गया है। यहाँ क्रोम, वहाँ क्रोम, भाई यार जहाँ देखो वहीं क्रोम। अगर मिरर की बात कर ले तो ये भी आपको जस्ट बुलेट के जैसा, प्रीमियम गाड़ी के जैसा फील दे रहा है। अगर मिरर को देख ले तो वहाँ भी मिरर को देख ले तो, मतलब एटलीस्ट सभी चीज़ इसका ये गाड़ी का सेम है। लेकिन बात कर लेते हैं इसके सबसे फ्रंट सेक्शन से, रियर का टायर भी आपको 18 इंच में देखने को मिल जाते हैं और वहाँ भी आपको रियर में टायर 18 इंच में ट्यूबलेस टायर विथ ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। और साथ ही साथ इस गाड़ी के ऑयल टैंक पे बात करें ना, तो ये जो ग्राफिक्स लग रही है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीवीएस का बेजिंग और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, मतलब काफ़ी मस्कुलर लगता है। और ये देख सकते हैं एफआई के साथ आपको ये दिखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी पैनल पे एफआई का ब्रांडिंग, रेडियोन का बैजिंग और यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग। मतलब यार हम क्या ही बताएं। रियर में सस्पेंशन की बात कर ले तो 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, इंजन में ड्यूरा लाइफ आपको मिलेगा। अगर चैन कवर की बात कर ले तो फुली कवर्ड चैन मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, यानी गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करके अगर कहीं जाते हो ना और आपका स्टैंड लगा है, तो सबसे पहली बात कि गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, अगर आपकी गाड़ी कहीं आप स्टार्ट करते हो और सपोज़ आपका स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इसका लाइव प्रूफ भी हमने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्ट्स ले आऊँगा, इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा। और बात कर लेते हैं अगर इसके रियर सेक्शन से ना, तो रियर सेक्शन से भाई यार स्प्लेंडर के जैसे इसकी लुक लगती है। आप वहाँ भी गौर करो, यहाँ भी गौर करो, अगर इसके फुली रियर में देखें ना, तो रियर का जो लुक है पीछे से पूरा की पूरा हीरो का कॉपी किया है टीवीएस ने, स्प्लेंडर के जैसा इसका लुक दे दिया है। और ये लाइट की भी बात कर लो ना, तो फुली स्प्लेंडर के जैसा इसका लाइट है, आपको ये बल्ब में देखने को मिल जाता है। और इसका जो इंडिकेटर है ना, फ्लैक्सीबल, यानी आप इसको कितना भी ऐसे घुमा दो ये टूटेगा नहीं। और अगर इसमें बात कर लो ना, तो इसका भी इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है। आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए कुछ गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम है, क्रोम की फिनिशिंग में, इसको भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इंजन आपको वही 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और सबसे पहले अगर इसके एग्जॉस्ट की बात कर लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्रोम की फिनिशिंग जो निकली है, तो यहाँ से यहाँ तक फाइनली मतलब फुली क्रोम की फिनिशिंग, यानी आपको ये गाड़ी में टोटली क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको टोटली क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन अब इसके सबसे बड़े चेंजमेंट जो हुई है ना, तो सबसे बड़े चेंजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ये, जैसे ही इसको हम लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे इसका कुछ चेंजिंग ये देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी बैटरी फिटेड अभी नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर देखें ना, तो इसका जो मीटर कंसोल ये जैसे ही ऑन करते हैं ना, ये टाइमिंग यहाँ पे शो करता है, ट्रिप मीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, आपका स्पीडोमीटर यहाँ पे शो करता है, स्पीड का आरपीएम आपको यहाँ पे शो करता है, बैजिंग यहाँ पे शो करता है, और आपको राइडर में यहाँ पे आर का बैजिंग। और वही अगर हम टीवीएस का रेडर में बात कर लेवे ना, तो टीवीएस का रेडर में आर का बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये आर का बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी अगर रेडर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाता है। बाकी हैंडल आपको क्रोम की फिनिशिंग में यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्मली जो पास लाइट होता है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पे हेडलाइट का ऑप्शन है और सेल्फ का ऑप्शन है। और मीटर कंसोल के पास ही आपको एक यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन का जैक, यूएसबी का जैक मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और अगर इसके हम डाउन पेमेंट की बात करें ना,
तो आप इसको नॉर्मली 20,000 से 22,000 रुपये देकर इसके डाउन पेमेंट आप करा सकते हो। और अगर मंथली ईएमआई आपका कितना चल जाता है तो वही 2900 से 3000 के बीच में इसकी मंथली ईएमआई चल जाती है यहाँ डाल्टन में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अपने सिटी की ऑन रोड प्राइस या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए होगा ना, तो एक बार आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।